हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन क्या पढ़ेंगे? ईवीएस में टिक राइट द करेक्ट आंसर रिवीजन करेंगे, ठीक है? तो देखो, फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? जो सांस लेते हैं, जो बढ़ते हैं। तो क्या आएगा? ग्रो आएगा या डू नॉट ग्रो आएगा? तो ग्रो आएगा। तो ग्रो पे आप क्या करोगे? राइट लगाओगे, ठीक है? अब वाटर मिलन इज ए, तो वाटर मिलन क्या है? श्रब है कि क्रीपर है? तो वाटर मिलन क्या है? क्रीपर है। तो आप क्या करोगे? यहाँ क्रीपर पर राइट लगाओगे। फिर द सन राइजेज इन द, सन कब कहाँ राइजेज होता है? वेस्ट में या ईस्ट में? तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो आप ईस्ट पे क्या लगाओगे? राइट लगाओगे, ठीक है? आया समझ में? अब फोर्थ वाला देखो, वी हैव बोन्स इन आवर बॉडी। अपनी बॉडी में कितनी हड्डियाँ है? तो 200 है या 206 है? तो कितनी हड्डियाँ है? 206। तो 206 पे क्या लगाओगे? राइट लगाओगे। एन इग्लू इज मेड अप ऑफ, इग्लू काय का बना होता है? स्नो का या वुड का? स्नो का। तो स्नो पे आप क्या लगाओगे? राइट लगाओगे। फिर टिक राइट द ट्रू फॉल्स के आंसर करने हैं। तो यहाँ पे क्या है? वी शुड हैव हेल्दी फूड, हमें हमेशा हेल्दी फूड खाना चाहिए। राइट या रॉन्ग? राइट। तो इस पर आप क्या लगाओगे? राइट। फिर वी हैव वन किडनी, क्या अपने पास वन किडनी है? क्या बताओ, कितनी? वन है कि टू है? जल्दी से बताओ, कितनी किडनी होती है? टू किडनी होती है, लेकिन यहाँ पे वन पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग। तो यहाँ पे रॉन्ग आ जाएगा। फिर आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ बोन्स, अपनी जो बॉडी है वो काहे की हड्डियों की बनी हुई है? हाँ, तो ये राइट। फिर ए बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड ग्लोब, क्या जो मैप की जो बुक होती है उसे क्या ग्लोब कहते हैं? ए बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड ग्लोब, क्या ग्लोब कहते हैं? नहीं। तो इस पर भी क्या आएगा? रॉन्ग। फिर बिग हाउसेज आर कॉल्ड बंगलोस, यानी कि राइट। जो बड़े हाउसेज है तो उन्हें क्या बोलते हैं? बंगलोस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? राइट। फिर राइट द वन वर्ड, ए हाउस विथ अ डोम लाइक शेप इज कॉल्ड, तो क्या होता है? इग्लू। तो यहाँ पे क्या आएगा? IGLOO, इग्लू। वी गेट कॉटन फ्रॉम इट, हमें कॉटन कहाँ से मिलती है? तो कॉटन प्लांट से। तो COTTON, कॉटन, और PLANT, प्लांट, ठीक है? कॉटन प्लांट। ये अब आपको लर्न करना है, ठीक है? इनकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।